हम बताने वाले हैं, इसको इंग्लिश में स्वीप भी बोल सकते हैं। ये हम पैर से लगाते हैं, इसमें पैरों का यूज होता है, हाथों के बजाय पैरों का ज़्यादा यूज रहेगा। तो हम दो तरह से बताएंगे, एक बाहर से और एक अंदर की तरफ से खींच सकते हैं। तो दोनों आज हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो आज पार्टनर है मेरी गीतांजलि। इसमें जैसा कि मैंने बताया, दो तरह से लग सकती है। तो एक को बाहर से लगा सकते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन है, मैंने इसको पकड़ना है। मुझे क्या करना है, इसकी गर्दन का ग्रिप लेनी है। गर्दन में ग्रिप लेने के बाद थोड़ा सा मैं साइड में घूमूंगी और इसको खींचूंगी। एक बार फिर देखेंगे, गर्दन का हाथ लिया, हमारी ग्रिप क्लियर है। यहाँ से आप नीचे मुझे शुद्धी जो है ये यहाँ लगेगा, ऊपर से लपेटना है इसको। यहाँ से पकड़ूंगी और जैसे मैं इसको चला रही हूँ, अगर इसका पैर आगे है तो ठीक है, अगर पीछे है तो इसको खींच के आगे रहूँगी और साइड रहूँगी, साथ के साथ यहाँ हाथ थोड़ा सा एटी से ऊपर और इस हाथ से मैं इसको पीछे की तरफ खींचूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं